कड़कड़ाती ठंड से जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश परेशान है और अनाथ आश्रम सहित कुछ आश्रम में रह रहे पीड़ितों की कोई देखरेख करने वाला नहीं है। ऐसे में मेरठ के एसओ सदर विजय गुप्ता, एसआई महेश वर्मा और अपनी टीम के साथ दिल्ली रोड के विवेकानंद कुष्ठ आश्रम पहुंचे और वहां रह रहे सैकड़ों पीड़ितों और उनके परिवार को कंबल बांटे। आवासित है और 55 परिवार में प्रत्येक परिवार को जो है कि कंबल थाना सदर बाजार पुलिस की तरफ से बांटा गया है। क्या नाम है और क्या मामला है पूरा आपका बताइए। ये जो सर आए हैं इन्होंने कंबल बांटे हैं आपको, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कैसा? ठंडी के मौसम है ना, अभी बहुत ठंड चल रहा है तो इसलिए कंबल बांटा बाबू जी ने। अच्छा, पहले भी कोई कंबल लेकर आया है? हाँ, पहले भी, अगले साल भी दिया था बाबू जी। अच्छा, अगले साल भी दिया था। अम्मा, क्या नाम है आपका और यहाँ पर जो सर आए हैं अभी कंबल दिया आपको, जो कंबल ओढ़ रखा है, कैसा लगा आपको? मेरा नाम दयामती है और ये पुलिस वाले जी यूपी पुलिस वाले हैं, वो मेरे बच्चे हैं। हम बूढ़े बुजुर्ग आश्रम वाले हैं, कोढ़ी लोग, सबको उन लोग ठंडी में कंबल ओढ़ाए हैं, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका जो आज कंबल मिला है आपको? मेरा नाम बिहारी शाह है। क्या नाम है? बिहारी शाह है। अच्छा, और हमारा बाबू पुलिस बाबू हम लोग के कंबल दिया ठंडी में, और बीच में हम लोग के फल दिवाली में दीपावली में हम लोग फल मूल खिलाए, भंडा को ले खिलाए, और हम लोग को बहुत याद करते हैं, हम लोग बहुत याद करते हैं, और वो जो कंबल दिया हम लोग को बहुत अच्छा लगे। और ठंडी में हम लोग सुरक्षा करें।